नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। किसी भी माध्यम से देश में संचालित हर एक गतिविधियों में अप्रत्यक्ष रूप से जनता का रुपए ही खर्च होता है, इसलिए पारदर्शिता होनी चाहिए। किंतु मंडला में सेंट्रल बैंक के अधीन संचालित सामाजिक उत्थान और प्रशिक्षण संस्थान RCT में किन किन मदों पर कितना खर्च होता है किसी को पता नहीं है और यहाँ के डायरेक्टर बताना भी नहीं चाहते हैं। वर्षों से संचालित इस आवासीय संस्थान में CCTV कैमरे भी नहीं है और न ही स्वीकृत पदों की पूर्ति की जा रही है, जबकि यहां उच्च अधिकारियों का आना जाना भी होता है, फिर भी डायरेक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं। जी, हमारी संस्थान में एग्रीकल्चर से रिलेटेड नर्सरी की ट्रेनिंग है, डेयरी की है, गोटरी की है, या और भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो गतिविधियाँ होती हैं, फिशरीज की है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सबके अलग अलग समय निर्धारित रहे। ये स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड है। जो लीड डिस्ट्रिक्ट बैंक रहता है जिले में, वो इसका स्पॉन्सरशिप लेता है। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर किया है इसको, RCT को। यहाँ पर स्टाफ की जो संख्या रहती है वो लगभग 5 होना चाहिए, 5 की संख्या रहती है। नहीं, अभी 5 तो नहीं है, ट्रेनर आते हैं, नेसर इनको ट्रेन करती है। क्या जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको कोई मानदेय वगैरह कुछ नहीं? मानदेय वगैरह, छात्रवृत्ति वगैरह नहीं दी जाती है, लेकिन ये कोर्स जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लेते हैं। सर, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर कुछ CCTV कैमरे वगैरह कुछ महिलाओं को भी ट्रेन करते हैं, वैसे की व्यवस्था आपके संस्थान में है? यहाँ होनी है अभी वर्तमान में। एक ट्रेनर के लिए कितना अपना वो आता है बजट, एक पे कितना खर्च करते हैं अपन जो सीखते हैं आपके यहाँ? ये सब बातें तो नहीं बता सकते हम। अच्छा।